हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आप लोग का स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरटीओ के जो सेगमेंट्स होते हैं, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, यू टर्न, नो एंट्री, ये जितने भी सेगमेंट्स जो आरटीओ के होते हैं, जो हमको रास्ते पे दिखाई देते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे फ़ायदा होगा और उसको आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वक्त गवाने से पहले, जब वक्त गवाने से पहले स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिग्नल जो रेड, येलो, ग्रीन। रेड का तो सब हर इंसान को पता है, रेड यानी जाना, येलो यानी पहले जो स्टॉप करके ग्रीन से जो जाना, ठीक है। ग्रीन आप चल रहे हैं गाड़ी देखे और आपको येलो बोर्ड दिखे, मतलब येलो हो गया है, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले अगर येलो हो गया तो आप क्रॉस कर सकते हैं रास्ता खाली है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले आपको येलो आ रहा है, गाड़ी आप स्पीड से आ रही है, तो आपको पहले ब्रेक मार के जो है कंट्रोल करके गाड़ी को स्टॉप करना है। येलो सिंबल इसलिए है कि आप स्पीड में गाड़ी चल रहे हैं तो आप गाड़ी की स्पीड कम करके सिग्नल पर आके स्टॉप करना है, ठीक है। और ग्रीन का मतलब तो पता आपको चला जा रहा है। और पहले स्टार्ट करते हैं, ये देखिए व्हीकल इज नॉट अलाउड, एक जाने का रास्ता और एक आने का रास्ता है। तो जो सिंबल दिया है ये जाने का है और ये आने का है, ऊपर से ये क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब दोनों जगह से गाड़ी जाने का और आने का बंद है, कोई गाड़ी जाने का अलाउड नहीं है इस रास्ते के ऊपर। सेकेंड जो ये हॉर्न बना हुआ है उसके ऊपर रेड मारा हुआ है, हॉर्न प्रोहिबिटेड यानी हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है। ये अक्सर जो दवाखाने पे होता है और जहाँ स्कूल जो होती है, जहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह होते हैं और जहाँ चर्च गिरजा वगैरह होता है, वहाँ पर अक्सर ये सिंबल लगाया जाता है हॉर्न नहीं बजाने का। और ये देखिए नो पार्किंग फॉर ऑल व्हीकल्स, इसका मतलब ये है सिंबल लगाया हुआ है कि इस रोड के ऊपर कोई पार्किंग नहीं कर सकती, चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, कोई गाड़ी को पार्क करने का अलाउड नहीं है। तो इसका सिंबल ये है, ये वाला सिंबल, और ये है नो पार्किंग का। जहाँ भी ऐसा बोर्ड रहेगा नो पार्किंग, तो वहाँ पे जो है आरटीओ को अलाउड है कि आपकी गाड़ी टोचन करके जो है वो इसको लेके जाके फाइन मारे, चालान काटे। तो इसलिए जहाँ भी ऐसा सिंबल रहेगा तो वहाँ पे गाड़ी को पार्क नहीं करना है, नो पार्किंग मतलब नॉट अलाउड। और ये है नो एंट्री, एक साइड का लिख दिया हुआ है और इसके ऊपर क्रॉस लाइन मारा रेड कलर का, तो इसका मतलब यहाँ पे नो एंट्री है, उस जगह पे गाड़ी जाने का अलाउड नहीं है। और ये यू टर्न, वो जगह ऐसा रोड होता है कि डिवाइडर होता है और कुछ जगह पे जो है यू टर्न मारने का अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे ऐसा सिंबल लगाया जाता है। अगर इसके बावजूद भी आप यू टर्न मारते हो और आरटीओ ने देख लिया तो आपको चालान काटेगा। और ये है लेफ्ट टर्न नॉट अलाउड, आप कभी जा रहे हो और लेफ्ट टर्न अक्सर वहाँ से जो भी लेफ्ट फ्री होता है और वहाँ पे ऐसा सिंबल लगाया जाता है, तो आरटीओ अगर आपको देख लिया लेफ्ट टर्न मारते हुए तो भी आपको चालान काट देगा। अगर आरटीओ नहीं भी रहा, आजकल तो कैमरा लगा हुआ है हर जगह कैमरा फिट किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप लेफ्ट टर्न मारते हो जहाँ पे लगा भी रहेगा तो भी आपको पेनल्टी देगी 500 रुपीज़। और ये राइट टर्न का, ये भी सेम ऐसा ही है, राइट टर्न लिखा हुआ रहता है और वहाँ पे राइट टर्न का मतलब रहता है, मतलब ओपन रास्ता रहता है, लेकिन वहाँ पर सिंबल रहेगा राइट इज नॉट अलाउड, कि वो रास्ता हो सकता है नो एंट्री में हो, तो जहाँ भी ऐसा सिंबल रहेगा तो वहाँ पर राइट मारना अलाउड नहीं है। फिर भी आप अलाउड अपना, फिर भी आप राइट टर्न मारेंगे तो आपको जो चालान कटेगा, अगर ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो चालान कटेगा, नहीं तो कैमरे से आपका चालान कटेगा। और ये रास्ता यहाँ पे चलने का अलाउड नहीं है, मतलब रोड के ऊपर चलने का अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे ऐसा सिंबल लगा जाता है। और ये देखिए एक साइड पे जाने के रास्ते के ऊपर रेड कलर का लाइन मारा है और यहाँ पे लाइन नहीं मारा है, तो इसका मतलब वन वे, जाने का अलाउड नहीं है, आने का अलाउड है, इसको बोलते हैं वन वे। और ये हैवी व्हीकल इज नॉट अलाउड, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ पे हैवी व्हीकल्स आने की वजह से जो है ब्रिज वगैरह टूट जाता है या रास्ते टूट जाते हैं, तो वहाँ पर जो है ऐसा सैंपल लगा जाता है, यहाँ पे लिखा होता है कि हैवी व्हीकल्स इज नॉट अलाउड, वहाँ पे अलाउड नहीं होता है। और ये जो सैंपल है स्पीड ब्रेकर का, ये अक्सर जहाँ वहाँ पर होता है, जैसा स्कूल होता है और हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर ये ऐसा सैंपल रहता है कि स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है ताकि गाड़ी अगर स्पीड में आ रही है तो स्लो हो जाए, तो वहाँ पे ये स्पीड ब्रेकर लगा जाता है ताकि जो है गाड़ी कंट्रोल में चले। और ये राउंड रोड, मतलब रोड जो है ऊपर नीचे होने वाला रोड है, ये इसका सैंपल है, मतलब स्पीड होके, मतलब स्पीड ब्रेकर का तरह बड़ा सा रोड होता है जो नीचे डाउन होके फिर अप होता है फिर डाउन होता है, उसको बोलते हैं राउंड रोड। और ये नैरो रोड, रास्ता सीधा चल रहा है बाद में बड़ा हो जाता है तो डीवार जाता है, मतलब रोड फैल जाता है, तो ये नैरो रोड है जाने के लिए। और ये राइट टर्न अलाउड, वहाँ पे कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पे राइट टर्न जाने की कंपनी से अलाउड होता है,
कि वहाँ से राइट टर्न मार के आप जो है दूसरा मतलब मेन रोड पकड़ सकते हैं या रिंग रोड पकड़ सकते हैं, वहाँ पे ऐसा बोर्ड रहता है राइट टर्न। और ये स्टेट डिसर्ट यानी ये जब आपको सैम्बल दिखेगा तो उसका मतलब ये है कि आगे चढ़ान है, आगे पहाड़ी का इलाका है। और ये डेंजरस डीप यानी आप अपना हिल्स मतलब पहाड़ी रास्ता होता है ना, आप चढ़ान से उतर रहे हैं डीप होता है फिर उसके बाद फिर चढ़ान होती है, तो वहाँ पे ये सैम्बल लगाया जाता है। और ये खासकर हाईवे के ऊपर होता है जहाँ हम लोग कभी मतलब लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं ना, तो गांव गांव में स्कूल होती है, हाईवे होता है, तो स्कूल आने से पहले ये सैम्बल लगाया जाता है कि स्कूल आगे स्कूल है उससे एड है। और ये लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट टर्न अलाउड है क्योंकि यहाँ पे लकीर नहीं मारा हुआ है रेड कलर का, तो आप लोग लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। और ये यू टर्न मैं बताया था यहाँ पे तो यू टर्न अलाउड नहीं है, यहाँ पे यू टर्न अलाउड है। और ये नो एंट्री, ये अक्सर दवाखाने की तरफ हॉस्पिटल की तरफ होता है कि वहाँ पर कुछ जगह पर नो एंट्री होता है। और एक गैप इन रोड, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं आगे पीछे गैप होता है, मतलब रोड चल रहा है एक रोड यहाँ पर एक रोड यहाँ पर, मतलब दो रोड होता है बीच में तो एक ब्रिज आ जाता है तो उसको बोलते हैं गैप रोड। और ये राइट ज़िगज़ैग टर्न मतलब ये अक्सर जो है लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं जैसे आप खंडाला जाएंगे वहाँ पे अक्सर ऐसा बोर्ड दिखाया आपको जाएगा कि राइट मार के जो रास्ता ज़िगज़ैग होता है, जैक की तरह ज़िगज़ैग ज़िग ऐसा जो है चढ़ान भी होती है ढलान भी होती है, ये अक्सर ढाल की तरफ नजर आता है रास्ता ये। और ये मेन रोड मतलब टी जंक्शन, अभी आप एक जगह से जा रहे हो वहाँ पे मेन रोड का एक साइन रहता है कि आगे जो हाईवे लगेगा, कौन सा भी हाईवे एक्सप्रेस हाईवे या कौन सा भी हाईवे हाईवे नंबर 34 कौन सा भी हाईवे जो होता है वो लग जाता है, तो ये इसका सैम्बल दिखा के आगे मेन हाईवे आने वाला है। और ये राउंडअबाउट मतलब एक सर्कल होता है कि यहाँ से भी गाड़ी आती है यहाँ से भी गाड़ी चाहते हैं चारों तरफ से गाड़ी आती है बीच में सर्कल होता है, तो उसको बोलते हैं राउंडअबाउट कि लेफ्ट से भी गाड़ी टर्न मार के जो राइट से निकल सकती है, राइट से भी आके जो लेफ्ट से निकल सकती है, एक राउंडअबाउट होता है जो कि दिखा रहा है। इस राउंडअबाउट के अंदर जो चारों तरफ से गाड़ी आती है, अक्सर ये मुंबई में देखा जाता है सात रास्ते के अंदर 20 ऐसा रास्ता बनाया हो गया है, वहाँ हर जगह से मतलब जैसा तारदेव से आ सकते हैं, महालक्ष्मी से आ सकते हैं और अपना क्या कहते हैं मझगांव से आ सकते हैं, हर जगह से रास्ता है तो उसको सात रास्ता बोलते हैं। ये मुंबई में है ठीक है, जहाँ धोबी तालाब है ना वहाँ पर मुंबई में सात रास्ता, तो उसको राउंडअबाउट ये सेम राउंडअबाउट है। ये मैन इट वर्क मतलब जहाँ पे रोड का काम चालू होता है तो 1000 किलोमीटर पहले या 500 मीटर पहले ये साइन बोर्ड आ जाता तो समझ जाने के आगे जो है रोड का काम है। और ये फेरी जहाँ अक्सर जब जो बीच जाते हैं जो चौपाटी जाते हैं या भी बुराई बीच जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आगे जाने के बाद समंदर वहाँ पे जो है फेरी से रास्ता होता है, तो ये फेरी का सैंपल है। और ये फॉलिंग रॉक्स अक्सर ये खंडाला घाट में जब जाते हैं तो आप देखोगे ऐसे जाली लगाया जाता है तो बरसात के टाइम पत्थर गिरते हैं, तो ये साइन बोर्ड आपको अलर्ट करने के लिए कि बारिश में हो सकता है वहाँ से पत्थर गिरे तो ये साइन बोर्ड दिखा जाता है। और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी आगे जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पब्लिक चलने के लिए रास्ता है मतलब पब्लिक का रोड क्रॉस करने का रास्ता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग रहता है, तो इसका ये साइन बोर्ड का मतलब ये है कि आपको जो गाड़ी को स्लो करके चलना है। और ये स्पीड लिमिट 2 मीटर ठीक है, ये अक्सर क्या होता है देखो खासकर ये जो पार्किंग एरिया होता है बिल्डिंगों के अंदर तो वहाँ गाड़ी की चौड़ाई जो होती है ना ये चौड़ाई का हिसाब दिखा है, देखो यहाँ पे कोने में है और यहाँ कोने में ठीक है, ये 2 मीटर है यहाँ से चौड़ाई का हिस्सा बता रहा है, लंबाई का नहीं है चौड़ाई का हिस्सा, तो स्पीड लिमिट 2 मीटर ठीक है, कोई स्पीड पे चलना आपको। और यू कैरी लेफ्ट टर्न है और लेफ्ट ज़िगज़ैग आपको पहले बता चुका हूँ, और ये सीधा जा रहे हो ठीक है, बाद में लेफ्ट टर्न बाई क्रॉस के हिसाब से लेफ्ट टर्न आता है। और ये लेफ्ट ज़िगज़ैग टर्न एक बताया था राइट का ज़िगज़ैग था, अब ये लेफ्ट का ज़िगज़ैग है, राइट से ज़िगज़ैग मिल सकता है, लेफ्ट मार तो लेफ्ट से ज़िगज़ैग मिलेगा। और ये चेक पोस्ट ये जो नाकाबंदी होता है या रेलवे पोस्ट होता है या चेक पोस्ट होता है खासकर जब नाकाबंदी होता है जहाँ पे हम स्टेट चेंज करते हैं ना महाराष्ट्र से कर्नाटक चले गए तो वहाँ पे चेक पोस्ट होता है, ये चेक पोस्ट का निशान है। और ये मेन रोड का सैम्बल है, आप ये रास्ता भटक गए तो वहाँ पे दिखा जाकर आपको मेन रोड मिलेगा तो इसका सैम्बल ये है। और ये टी रोड यानी आप जा रहे हो तो आगे से राइट होगा तो लेफ्ट होगा सीधा रास्ता नहीं लेगा, तो उसको टी जंक्शन भी बोलते हैं और टी रोड भी बोलते हैं, ये टी रोड है। और ये साइड रोड लेफ्ट साइड आप लोग जा रहे हो रोड पे सीधा जा रहे हो तो लेफ्ट साइड का टर्न भी होता है, तो ये साइड रोड लेफ्ट साइड है। और ये से साइड रोड राइट साइड राइट का भी टर्न होता है इसमें। और ये वन वे कुछ में तो ये वन वे का निशान है कि
अभी एक वन में आपको ये दिखाता है मैंने, ये वाला, ये वन में, ठीक है। तो कुछ कुछ मतलब स्टेट के अंदर जो वन में का सैम्पल ये भी होता है, मतलब सर पूरे इंडिया के अंदर सेम सैम्पल है, लेकिन एक सैम्पल ये भी है वन वे का, ताकि लोग कुछ नहीं समझ आ सके, और एक सैम्पल ये है वन वे का, जाने का रास्ता या आने का रास्ता। और ये ग्रांटेड रेलवे क्रॉसिंग, इसके अंदर जो दिखा हुआ है कि आगे जो है रेलवे क्रॉसिंग आने वाला है, तो 200 मीटर के बाद पहले बोर्ड लगाया जाता है कि ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे आने वाला है, और ये 100 मीटर के बाद सेम है, और ये स्टॉप का सेम है, जब जहाँ भी आप रहते हैं, क्योंकि गाड़ी आप चल रहे वहाँ पे रहे ना, जैसे जहाँ पे सिग्नल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक सैम्बल होता है स्टॉप, यानी आपको स्टॉप करके आगे जाना है। और ये खासकर हाईवे के ऊपर होता है कि बाहर साइड में बोर्ड लगाया था हॉस्पिटल का, और ये पार्किंग फॉर फ्रॉम वीकेंड साइकिल, कुछ जगह पे जैसे पिकनिक एरिया होता है वहाँ पे साइकिल का पार्किंग जैसा सेंटर होता है, कार पार्किंग जैसा सेंटर होता है, ये पेट्रोल का है, ये सब जो हाईवे के ऊपर नजर आता है। और ये पार्किंग राइट साइड है, पब्लिक टेलीफोन, ये भी सब मतलब राउंड ड्राइव पे जाएंगे तो आपको सैम्पल मिलेगा। ये पार्किंग बोथ ऑफ साइड, आप चाहे पार्किंग राइट में करो या लेफ्ट में करो। और ये अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग, इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा था, ग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग, यानी वहाँ पे फाटक है और यहाँ पे फाटक नहीं है, ठीक है। तो आपको देख कर अपना कार क्रॉसिंग करना है। एक्चुअली ये अभी अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग इंडिया के अंदर ऑलरेडी बंद ही हो चुका है, बहुत जगह पे तो रेलवे क्रॉसिंग को जो बंद करके ब्रिज बना दिया गया है इंडिया में हर जगह पे, और अनग्रांडेड रेलवे क्रॉसिंग बहुत रेयरली आपको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये भी सिर्फ ऐसे ये 100 मीटर के बाद आएगा, 200 मीटर के बाद आएगा, तो ये 200 मीटर ये एक सैम्पल दिखाएगा, फिर आपको 100 मीटर फिर एक सैम्पल दिखाएगा। तो क्रॉसिंग से पहले आपको 200 मीटर पहले आपको अलर्ट कर दिया जाता है। और ये ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, क्या होता है अक्सर एक वन भी रास्ता होता है आने और जाने का, तो वहाँ पे बहुत कंजेशन रोड होता है, तो आप वहाँ पे ओवरटेक करेंगे तो बहुत डेंजरस होता है। तो पहले से जो है ट्रैफिक वाले जो ये सैम्पल लगा देते हैं कि ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, आपको जब रास्ता मिलेगा तो ही आप क्रॉस करना, लेकिन बहुत रिस्की होता है, जहाँ पे ऐसा सैम्पल दिखेगा ओवरटेकिंग नॉट अलाउड, तो आप बिल्कुल इसको ओवरटेकिंग करना नहीं है, भले आपको कितना लेट हो जाए, क्योंकि आप ओवरटेकिंग करने के लिए जब आप राइट साइड में आ जाते हो अपनी लाइन छोड़ के, अगर सामने से बस या कोई बेस्ट बस आ जाएगी तो आप कंट्रोल नहीं पाएंगे, तो एक्सीडेंट के 100% चांसेस है। तो उसके जहाँ पे ऐसा सैम्पल रहेगा ना, ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, तो प्लीज़ ओवरटेक मत करना। और ये खासकर हाईवे के ऊपर साइड में बोर्ड में लगा जाता है 50 स्पीड लिमिट मत, स्पीड इज 50 स्पीड लिमिट, यानी 50 की रफ्तार से आप स्पीड की लिमिट चला सकते हो। अक्सर जो है बॉम्बे पुणे हाईवे के ऊपर मैंने अक्सर देखा हो, जहाँ पे 80 की स्पीड लिखा हुआ है और 50 की स्पीड लिखा हुआ है, अगर 80 की स्पीड आप जाएंगे अभी तो ट्रैफिक वाले पुलिस वाले खड़े नहीं होते, हर जगह कैमरा सेट किया हुआ है, खासकर बॉम्बे पुणे हाईवे के ऊपर, मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर जो कैमरा सेट किया हुआ है, सीधा 1000 का फाइन है। अगर आप 80 के ऊपर क्रॉस कर लेंगे ना तो 1000 का फाइन है, और कुछ कैमरा ऐसी जगह पर लगाया गया है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो है बहुत समझने वाला है सैम्पल है, नो पार्किंग नो स्टैंडिंग, मतलब आपको पार्किंग भी नहीं करना है, गाड़ी खड़ा भी नहीं करना है, ये अक्सर जो है जंक्शन की तरफ होता है ये सैम्पल। अब ये लिखा कंपल्सरी राइट टर्न, आपको कंपल्सरी राइट ही मानना पड़ेगा, सीधे जान सकते हैं आप, तो आपको राइट ही मानना पड़ेगा, कंपल्सरी लेफ्ट तो कंपल्सरी आपको लेफ्ट ही मानना पड़ेगा, और कंपल्सरी लेफ्ट टर्न तो कंपल्सरी आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, और कंपल्सरी राइट टर्न तो आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा, और कंपल्सरी स्ट्रेट तो आपको सीधा जाना पड़ेगा, और कंपल्सरी साउंड हॉर्न, ये कब होता पता है, जहाँ पे ब्लाइंक रोड होता है, खासकर हाईवे की तरफ या कुछ मुंबई में ऐसे रास्ते भी है जैसे आप राइट टर्न मारते हो तो उसको सामने गाड़ी कौन सी आ रही है आपको दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ पे यह सैम्पल लगा जाता है कि आप हॉर्न बजा के चलिए, गाड़ी आ रही है तो अलर्ट हो जाके सामने से भी गाड़ी आ रही है। और अक्सर ये जहाँ पे शाहरुख खान का बंगला है मन्नत, वहाँ पे जब हम रोड पे जाते हैं जो चढ़ान है वहाँ पे ये सैम्पल अक्सर लगाया गया है कि वहाँ पे जो रास्ता सामने की गाड़ी आती है मालूम नहीं पड़ता, तो वहाँ पे ये सैम्पल लगाया हुआ है कंपल्सरी साउंड हॉर्न। ओके दोस्त, अब ये जो है ट्रैफिक जो सामने ट्रैफिक वाले जो खड़े ये जो दिखा हुआ देखो यहाँ पे हाथ ऊपर किया हुआ है स्टॉप इज अप्रोचिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड, ये ऐसा खड़े हुए ठीक है और स्टॉप ऐसा किया हुआ है, तो मतलब राइट की सामने की गाड़ी और पीछे की गाड़ी ये दोनों गाड़ी का अलाउड नहीं है जाने का। और ये दिख रहा नहीं है अप्रोच फ्रंट फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड ठीक है, राइट मतलब इसलिए ये स्टॉप किया हुआ इधर पे और ये साइड के जाने का अलाउड किया हुआ ठीक है, और ये अलाउड व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम राइट एंड स्टॉपिंग ट्रैफिक फ्रॉम लेफ्ट, अलाउड व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम राइट
राइट से आने का अलाउड है एंड स्टॉपिंग फ्रॉम लेफ्ट, और लेफ्ट कहीं जाने के जो है ये अलाउड नहीं, इसलिए इसको जो है ऐसा हाथ देके स्टॉप किया हुआ है और यहाँ से इसको इशारा करना है, ठीक है। और ये जो है होल्डिंग चालान, बाई चांस ट्रक वाले कार वाले अक्सर जो है सिग्नल तोड़ के जाते हैं, तो ये ऐसा अगर कर दिया ट्रैफिक पुलिस वाले ने, उसके बाद आपको चालान काटेगा वो, ठीक है। अब तो क्या मशीन आ गई है, आपको देखते जो है बस आपकी गाड़ी का नंबर देखते हैं, गाड़ी का नंबर डाल के चालान मार देगा, आपको ऑटोमेटिक जो है आपके मोबाइल पे आ जाता है आपके ऊपर चालान ऐप है। तो सर मैं मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों जितने भी आप हैं मेरे जो चैनल को देखने वाले हैं, आपको मेरा ये बताना पसंद आया नहीं पसंद आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आपको और अच्छी से अच्छी जानकारी और नॉलेज आपको दूँ। थैंक यू सो मच, बाय।